आधार डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको आधार की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, जिसका एड्रेस है uidai.gov.in। आप गूगल में UIDAI भी सर्च करोगे तो आप इसकी वेबसाइट पे आ सकते हैं लिंक का यूज़ करके। वेबसाइट के होम पेज पे आते ही आपको अलग अलग ऑप्शंस दिखाई देते हैं, जिसमें गेट आधार को देखना है आपको। गेट आधार में आपको अलग अलग फिर चॉइसेस हैं, जैसे कि लॉक इट एंड एनरोलमेंट सेंटर। आपको अगर कोई नया आधार बनाना है, किसी का नया आधार बनाना है, तो कहाँ पर है एनरोलमेंट करने का सेंटर, उसका एड्रेस आप ले सकते हो यहाँ से। अगर आपके आधार में कुछ चेंजेस करने हैं या अपडेट करना है आधार को, तो अपॉइंटमेंट ले सकते हो उस एनरोलमेंट सेंटर के लिए। आधार का स्टेटस चेक कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम डाउनलोड के ऑप्शन पे जाते हैं। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद ई आधार अलग पेज पे हमें लेके जाते हैं। यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शंस हैं जिसे आप आधार डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि 12 डिजिट का आधार नंबर है, एनरोलमेंट आईडी अगर है आपके पास जब आपने फर्स्ट रजिस्ट्रेशन किया था आधार के लिए वो एनरोलमेंट आईडी, या फिर वर्चुअल आईडी, ये एक अलग कंसेप्ट है, इसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। तो आधार नंबर डाल के आप आपका आधार डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही ज़रूरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपके पास वो मोबाइल नंबर होना चाहिए, उसका सिम कार्ड होना चाहिए, जिससे जिस नंबर को आपने आधार के साथ लिंक किया हुआ है, तभी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि वो OTP भेजा जाता है। चलो ठीक है, देखते हैं अभी वीडियो कैसे बना है। अभी मुझे बहुत अच्छा लगा है वीडियो बना।